मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों अधिकारी तक शिक्षा के स्तर का सुधारने को लेकर बहुत से दावे करते हैं। वहीं बहुत से जिलों में शिक्षा का स्तर काफी हद तक सुधर भी चुका है, लेकिन धरातल पर सरे साझा पानी में शिक्षा का स्तर कितना सुधरा है, इसका आज हमारे संवाददाता ने प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय का रियलिटी चेक किया और वहाँ के कक्षा 3 कक्षा 4 में पढ़ने वाले बच्चों से कुछ जानकारियाँ ली तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वह चौंकाने वाली थी। यहाँ के छात्रों को अपने माता पिता का नाम भी लिखना नहीं आता। वहीं एक छात्र से जब विद्यालय का नाम लिखवाया गया तो विद्यालय का नाम नहीं लिख पाया। इन छात्राओं को शिक्षा देने वाले अध्यापकों का भी जलवा कम नहीं है। विद्यालय खुलने के घंटों बाद भी क्लासरूम की बजाय विद्यालय के बाहर कुर्सी पर बैठ आनंद ले रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि बच्चों को नाम भी लिखना नहीं आता तो कुछ नहीं बोल रहे, ना ही कुर्सी छोड़कर उठ रहे हैं। अब ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार शिक्षा के स्तर को लेकर जो कसीदे सरकार पढ़ रही है और जितनी जुमलेबाजी कर रही है वो सिर्फ हवा हवाई है। पेश है सिंगरौली के संवाददाता उपेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट। पूछेंगे मतलब बच्चे जैसे नाम नहीं लिख पा रहे अपना, चौथी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन।